वालेकुम। आज हम इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर फिफ्थ चैप्टर एग्रीकल्चर यानी कि ज़िरात से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ज़िरात में कम पैदावारी की वजूहात क्या हैं, जिसे हम कहेंगे कॉजेस फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पैदावारी किसे कहते हैं। पैदावारी मतलब फी हेक्टर ज़मीन पर जो औसत पैदावार होती है उसे हम पैदावारी कहते हैं। यहाँ पर कम पैदावारी का मतलब देखिए, यहाँ पर कम पैदावारी लो प्रोडक्टिविटी यानी कि जब फी हेक्टर ज़मीन पर जितनी पैदावार होनी चाहिए उससे कम शरह में पैदावार होती है तो इसे हम कहते हैं कम पैदावारी या पस्त पैदावारी। तो यहाँ पर हिंदुस्तान, क्योंकि ज़िरात के लिहाज से क्या है, बहुत अहमियत है हिंदुस्तान में ज़िरात की, और ज़्यादा आमदनी का ज़रिया क्या है, ज़िरात ही है हिंदुस्तान के लिए। क्या है, ज़िरात एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में क्या है, कम पैदावारी पाई जाती है। उसके हसबे ज़ैल वजूहात हैं जिसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान में कम पैदावारी की जो आम वजूहात है वो हसबे ज़ैल हैं। फर्स्ट है समाजी माहौल, जनरल कॉजेस में देखिए आप, जनरल कॉजेस में समाजी माहौल है, सोशल इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ज़रूरी तरक्की में गांव का माहौल एक अहम रुकावट है। गांव में जो अफराद होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड रहता तालीमी लिहाज से वो नहायत ही पस्त है, और किसानों की जो अक्सरियत होती है वह नाख्वानदा अनपढ़ जाहल होती है, तोहम परस का शिकार होते हैं। मेहनत से काम करना, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, इसकी नॉलेज उन्हें नहीं होती, लकीर के फ़कीर होते हैं, अपनी बुनियादी जो ज़रूरियात है उसको भी तकमील करने के काबिल नहीं होते, और जो ज़रूरी नई टेक्निक्स है उसके इस्तेमाल से वो नावाकिफ़ होते हैं। तो इस तरह ज़रूरी जो किसान होते हैं गैर जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरह के समाजी माहौल से पैदावार पर मनफी असर पड़ता है और पैदावार कम होती है। नेक्स्ट जो वजह है, हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान में जो ज़रूरी पैदावार कम होने की वजह है वो है आबादी में बेतहाशा इजाफा। तो जिस तरह हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दूसरा दर्जा रखता है, और जिस लिहाज से आबादी में इजाफा हो रहा है उस रफ्तार से पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर पैदावार में मसला पैदा होता है, पैदावार कम होती है। 2011 ईस्वी में देखिए आप, 349 मिलियन देही इलाकों के अफराद काम करने वाले में से तकरीबन 263 मिलियन मजदूरों को क्या है, ज़रई शोबे में रोज़गार हासिल हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ज़मीन पर आबादी का क्या है, बोझ बढ़ रहा है, दबाव आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या है, यहाँ पर हर किसी को क्या है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, और किसानों की जो आबाई ज़मीनात है नस्ल दर नस्ल तकसीम हो रही है, जिसकी वजह से इंतशार अराजी पैदा हो रही है, यानी कि छोटे साइज़ के खेत वजूद में आ रहे हैं। जब आबा वाजदाद के जो खेत हैं वो उनके क्या है, बेटों और पोतों में तकसीम होते रहेंगे, तो इस तरह यहाँ पर छोटे साइज़ के खेत वजूद में आएंगे, जिसकी वजह से छोटे साइज़ के खेतों पर क्या है, पैदावारी काम जब किया जाएगा तो पैदावार में कमी हो जाएगी और ज़मीन हदबंदी में ज़ायद हो जाएगी, इस वजह से भी क्या है, पैदावार में कमी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज़मीनी तनज़ुली, लैंड डिग्रेडेशन। तकरीबन 43% मुल्क की ज़मीन ऊंचे तनज़ुल से मुतासिर होती है, ज़मीन का कटाव इसकी अहम वजह है। इसकी वजह से देखिए, तकरीबन 33 से 67% पैदावार का नुकसान होता है, 5% क्या है, ज़मीन इतना नुकसान पहुंचाती है कि ये इस्तेमाल के काबिल ही नहीं होती, ये मौसमी हालात का नतीजा होता है। इस तरह देखिए, ज़मीनी तनज़ुली कम पैदावारी की अहम वजह है। हिंदुस्तान में देखिए आप,
नेक्स्ट जो वजह है नाकाफी बुनियादी सहूलतें इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। हिंदुस्तान में कुदरती वसाइल वाफर मकदार में पाए जाते हैं, जैसे कि हमल व नकल की सहूलियात हैं, मवासिलात, पानी, बिजली, बाजार साजी यानी मार्केट की सहूलत, ड्रेनेज का इस्तेमाल ये वगैरह, और मौसमी हालात, जमीन पर पाई जाने वाली आब और हवा, जंगलात, ये तमाम क्या कुदरती वसाइल हैं। ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले मादनियात, नामियात जो पैदावार के लिए नामियाती अज्जा होते हैं, और ज़रख़ेज़ ज़मीन, ये तमाम क्या है कुदरती वसाइल वाफर मकदार में पाए जाते हैं, लेकिन इनका क्या है अदम इस्तेमाल हो रहा है या सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या टेक्निक के ज़रिए क्या है बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल ना होने की वजह से भी पैदावार में कमी वाक़ हो रही है। तो लिहाजा बुनियादी सहूलतें नाकाफी होने पर पैदावार कम हो जाती है। नेक्स्ट जो असबाब हैं वो हैं इंस्टीट्यूशनल कॉजेस, इदारा जाती असबाब हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इदारा जाती असबाब है उसमें सबसे पहली जो वजह है ज़मींदारी निज़ाम, लैंड टेन्यूर सिस्टम है। ज़मींदारी निज़ाम ने किसानों से रजामंदी और खुश जोश पैदावारी और पैदावार में इजाफे को ख़त्म कर दिया है। यानी ज़मींदार क्या है किसानों को ज़मीन जब देते हैं तो उस पर मनमानी क्या है मनमानी जो सो लगान आयद करते हैं, लगान की क्या है बाकायदगी नहीं होती, हर साल इसको जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या है बाकायदा नहीं करते, बेतहाशा उसमें लगान में इजाफा करते जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज़मींदार है लगानदार को क्या है वो बाकायदा तौर पर क्या है उनको ज़मीन का हक़ अदा नहीं करते, जब उन पर उनको क्या है लगान पर दे दिया जाता है तो उनको तमाम अथॉरिटी उनको किसानों को क्या है दी जानी चाहिए ताकि वो मुतमईन होकर उस पर काम कर सकें। लगान की बाकायदगी ना होने की वजह से, हक़ अराजी का तहफ़ ना होने की वजह से लगानदारों के हकूक़ मिल्कियत ने लगानदारों के रुतबे में कोई बेहतर तब्दीली नहीं पैदा की है। तो लिहाजा यहाँ पर देखिए ज़मींदार क्या है ज़मीन लगान पर देते हैं और लगानदारों को ज़मीन के हकूक भी नहीं देंगे तो वो क्या है अदम इत्मीनान का शिकार हो जाएंगे, उन्हें क्या है सिक्योरिटी नहीं रहेगी, वो क्या है डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस तरह यहाँ पर क्या है दिलचस्पी जैसे जब काम नहीं किया जाएगा या खौफ रहेगा उनको नुकसान का तो इस तरह के पैदावार में कमी वाक़ हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पैदावार में कमी की। नेक्स्ट हम देखेंगे ज़मीन की हदबंदी साइज ऑफ होल्डिंग्स। 2010-11 में तकरीबन 85% जुमला हदबंदी अराजी का साइज 2 एकड़ से कम रहा। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में जो खेतों का साइज है हदबंदी का जो साइज है वो तकरीबन क्या है 2 एकड़ से भी कम है, इसलिए इस पर काश्तकारी सिर्फ मेहनत अमीर टेक्निकों से की जा सकती है। छोटे साइज के खेतों पे क्या है सिर्फ मजदूरों के जरिए और बैल और लकड़ी के हल के जरिए ही क्या है यहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है। जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल छोटे साइज के खेतों में नहीं किया जा सकता और असल अमीर काश्तकारी बेहतर बीजों के साथ नहीं की जा सकती, तो लिहाजा गैर माशी जमीन की हदबंदी भी कम पैदावारी की वजह है। तो हिंदुस्तान में यहाँ पर क्या है माशी खेत नहीं है बल्कि गैर माशी खेत पाए जाते हैं जिनके साइज छोटे होते हैं, जहाँ पर मेहनत अमीख टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, असल अमीख टेक्निक और बेहतर बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है पैदावार कम होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कारोबारी सलाहियत का फुकदान, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ज़रई शोबे में कारोबारी सलाहियत का फुकदान पाया जाता है, इसके अलावा ज़रई तिजारत में मुसाबिकत नहीं पाई जाती, कंपटीशन नहीं रहता, एक दूसरे से आगे पढ़ने की इनमें जुस्तजू नहीं होती जिसकी वजह से कम पैदावारी होती है। जिस तरह इंडस्ट्रीज़ में फॉर्म्स में एक मुंतज़िम बेहतर इंतज़ाम संभालते हुए पैदावार करता है उसी तरह यहाँ पर हिंदुस्तान में जो ज़रई पैदावार होती है ज़रई पैदावार में यहाँ पर देखिए ज़रई पैदावार में
पैदावार को बढ़ाने के लिए कोई इंतजामी सलाहियत नहीं होती और कोई उन्हें गाइडेंस देने वाला नहीं रहता किसानों को। तो इस वजह से भी क्या है, यहाँ पर माली की कमी, सरमाए की कमी की वजह से भी यहाँ पर कारोबारी सलाहियत का फुकदान पाया जाता है, जिसकी वजह से कम पैदावार होती है। नेक्स्ट जो वजह है इधर आ जाती वो है सरमाए की कमी, डिफिशेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरमायाकारी की कमी ज़रई शोबे का अहम मसला है। उसके अलावा देखिए बर्खी आने का अमल, बर्खी ये क्या है, खेतों में पानी की सरबराही के लिए, आपाशी की सरबराही के लिए मशीन वगैरह का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ों के लिए क्या है सरमाए की ज़रूरत होती है। ट्रैक्टर्स, जदीद मशीनरी, पाइपलाइंस के ज़रिए तमाम खेतों को पानी की सरबराही, जदीद टेक्निक्स के ज़रिए, ये तमाम इंतज़ाम ना होने की वजह से बरखियाने का अमल नहीं किया जा सकता, सड़कों की तरक्की नहीं होने की वजह से और कटाई के बेहतर जदीद टेक्निकी इंतज़ाम ना होने की वजह से और अनाज को ज़खीरा करने के लिए गोदामों की कमी की वजह से यहाँ पर क्या है पैदावार में कमी होती है। ये तमाम इंतज़ाम के लिए सरमायाकारी होना ज़रूरी है और प्रोसेसिंग और का सिस्टम बेहतर होना ज़रूरी है। और तो यहाँ पर देखिए देही इलाक़ों में मशीनरी की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पैदावार कम होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ़नी अजबाब। फ़नी अजबाब में टेक्निकल कॉजेस में देखिए आप, पहला जो है पैदावार की नाख़िस टेक्निक है, पूर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हिंदुस्तानी किसान ज़्यादा क्या है कदीम तरीक़े पैदावार इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज भी किसानों के जो साइज़ हैं खेतों के साइज़ वो नहायत छोटे हैं, 2 एकड़ से भी कम साइज़ के खेत पाए जाते हैं। इसकी वजह क्या है, आबा वाजदात की जो ज़मीनात है नस्ल दर नस्ल इसकी तकसीम होती आ रही है, जिसकी वजह से क्या है हदबंदियों में ज़मीन भी ज़ाया हो रही है और इंतशार अराजी की वजह से खेतों का साइज़ भी छोटा हो रहा है। और इस वजह से इसके अलावा यहाँ पर छोटे साइज़ की ज़मीनात होने की वजह से इन ज़मीनात पर मेहनत अमीख टेक्निक के ज़रिए आज भी बैल लकड़ी के हल के ज़रिए खेती बाड़ी की जाती है, जो कि कदीम टेक्निक है ज़िरात की। तो इस तरह इस कदीम टेक्निक की वजह से यहाँ पर तरीक़े पैदावार जो इस्तेमाल किया जा रहा है और खादों और ऊंची पैदावार के हाइब्रिड है बीज का जैसे इस्तेमाल नहीं हो रहा है या कम इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से पैदावार कम हो रही है। उसके अलावा देखिए जदीद दाखिलात की ऊंची लागतें और अदम दस्तियाबी भी पस्त पैदावार का सबब बनती है। फसल काटने के बाद की नाखिस और नाकाफी टेक्नोलॉजी भी एक मसला होती है। जब फसल उग जाती है तो उसको काटने के जो तरीक़ेकार हैं, मजदूरों के जरिए फसल को की कटवाई होती है, जिसके लिए ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा जो सो सरमाया ज़ाया होता है इसमें। और इसके अलावा क्या है गोदान की सहूलतें नहीं होती, मार्केट की सहूलत नहीं होती, जिसकी वजह से किसान जो है ना अपनी पैदावार को क्या है नुकसान से बचाने के लिए दरमियानी अफराद को अपनी तमाम फसलें फरोख्त कर देते हैं, जिससे वह नुकसान का शिकार होते हैं। इस तरह यहाँ पर देखिए नाकाफी टेक्नोलॉजी भी एक अहम मसला होती है पैदावार में कमी के लिए। नेक्स्ट जो फ़नी अजबाब है उसमें देखिए आप नाकाफी आपाशी, इन एडिक्वेट इरीगेशन प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में 2010 और 11 में देखिए 199 मिलियन हेक्टर खाम फसल, तो यहाँ पर देखिए हेक्टर खाम फसल करदा रकबे में सिर्फ 89 मिलियन हेक्टर ज़मीन को आपाशी की सहूलियात नसीब हुई। हिंदुस्तान में यहाँ पर तकरीबन 199 मिलियन हेक्टर ज़मीन में खाम फसल करदा जो रकबा है उसमें सिर्फ 199 में से सिर्फ 89 मिलियन हेक्टर ज़मीन को आपाशी की सहूलत दस्तियाब होने की वजह से क्या यहाँ पर पैदावार कम हो गई। इस तरह 45% खाम आपाशी करदा रकबा ही आपाशी की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सका। तो इस तरह हिंदुस्तान में बड़े खेत होने के बावजूद अगर कहीं पर क्या है आपाशी की सहूलत नहीं है, तो यहाँ पर बड़े खेत होने के बावजूद भी क्या है वहाँ पर सिर्फ 45% ज़मीन पर क्या है आपाशी की जा रही है,
और 45% जमीन पर ही पैदावार हो रही है, बाकी की जमीन बेकार पड़े रहने की वजह से पैदावार में कमी वाक़ हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे माहौलियाती असबाब, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सख्त गिर जमीनी कटाव, भारी बारिश से तनजुली सैलाब, जंगलात की कटौती। तो यहाँ पर देखिए जमीनी कटाव जो होता है ना, तूफान और बारिश, तेज बारिश, भारी बारिश की वजह से जमीन का कटाव हो जाता है, जमीन बह जाती है, जमीन के नामियात बह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जमीन पर पैदावार नहीं की जा सकती। जंगलात की कटौती, जंगलात को काट देने की वजह से, और नामुनासिब ड्रेनेज सिस्टम, खुश्क साली, सैलाब और तेज धूप, कुर्वी तपिश, बेतहाशा खादों का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, और ज़मीनी आलूदगी और फिजाई आलूदगी भी क्या है, ज़िरात में कम पैदावारी का अहम सबब बनते हैं। तो लिहाजा पैदावारी कम पाए जाने की अहम वजह माहौलियाती असबाब भी हैं, जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी ज़िरात में कम पैदावार हो रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इख्तिताम की जानिब, कंक्लूजन क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में बहरहाल देखिए कदीम तरीक़े पैदावार का इस्तेमाल हो रहा है, आबपाशी की कमी पाई जाती है, खेतों का छोटा साइज पाया जाता है, बाजार की अदम सहूलतें हैं, जिसकी वजह से किसान अपनी जो सो पैदावार के दरमियानी अफराद को फरोख्त कर देते हैं, जिससे उन्हें क्या कम मुनाफा हासिल होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं, सड़कों का इंतज़ाम नहीं है, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, और मार्केटिंग की सहूलत नहीं है, गोदाम का इंतज़ाम नहीं है, और प्रोसेसिंग के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं है, यहाँ पर मुनज़िम इंतज़ाम नहीं है, और किसानों को गाइडेंस के लिए क्या कोई बेहतर इंतज़ामी सलाहियत का हामिल नहीं है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के नतीजे में हिंदुस्तान में कम पैदावारी हो रही है ज़िरात की। तो इस तरह ज़रई शोबे में कम पैदावारी के ये वजूहात पाए जा रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान में कम पैदावार हो रही है, जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में जो ज़िरात से हासिल होने वाला हिस्सा है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। और इसकी एक वजह भी क्या है, ज़िरात में काम करने वालों की तादाद भी कम होती रही है, जैसे जैसे तरक्की में इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनअतियाने के अमल के नतीजे में भी ज़िरात में काम करने वाले अफराद ज़्यादातर सनअतों को मुंतकिल हो रहे हैं। सनअतों को मुंतकिल होने की वजह से ज़िरात में काम करने वाले अफराद की कमी हो रही है, और सरमाए की कमी, मालिया की कमी भी एक अहम वजह है। मालिया या बचत की कमी होने की वजह से किसान अपनी पैदावार को जारी नहीं रखते, और उन्हें क्या है, कर्ज की सहूलतें नहीं होती। अगर कर्ज मिलता भी है तो उन्हें क्या है, कर्ज चुकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये कर्ज का बोझ उनकी नस्ल दर नस्ल कायम रहता है। तो इस तरह एक कहावत भी कही जाती है कि हिंदुस्तान का जो किसान है ना, गरीब किसान है, गुर्बत जिसे पालती है, और हिंदुस्तान का किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मरता है, यानी हिंदुस्तान का जो किसान है उसकी जो पैदाइश होती है, उसका जो वालिद जो कर्ज लेके उसकी पैदाइश के इंतजाम करता है, उसी तरह जब वो ज़िंदा रहता है तो अपने आबा वाजदात के कर्ज को चुकाने में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, और जब उसकी मौत होती है तो इसकी मौत के जो अखराजात भी किए जाते हैं वो कर्ज की रकम से ही किए जाते हैं। तो इस तरह हिंदुस्तानी किसान के ये हालात हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जो पैदावारी है वो नहायत ही कम है। तो लिहाजा हिंदुस्तान की जो ज़मीनी असलाहत हैं, जो पैदावारी असलाहत हैं, उसमें क्या है, बेहतरी लाना ज़रूरी है। एक मुनज़्ज़िम इंतज़ाम और प्लानिंग के ज़रिए हिंदुस्तानी ज़िरात में नई टेक्निक्स और हाइब्रिड बीजों के ज़रिए, पेस्टिसाइड्स खादों के इस्तेमाल के ज़रिए पैदावार में इजाफा करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफा हो सकता है। ये फिफ्थ चैप्टर से एक नहायत ही अहम क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मख्तस हैं। तो यहाँ पर आपको इम्तिहान में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़िरात में कम पैदावारी के असबाब बयान कीजिए। तो यहाँ पर आपको ज़िरात में कम पैदावारी के असबाब, जो आम असबाब हैं, जैसे कि समाजी माहौल, ज़मीन पर आबादी का बोझ, ज़मीनी तनाज़ुली,
ये आम असबाब हैं, नाकाफ़ी बुनियादी सहूलतें। उसके बाद में इदारा जाती है असबाब, यानी कि जो सिस्टम है मुल्क में पैदावारी की कमी का बाद, जो कि देखिए ज़मींदारी निज़ाम है और ज़मीन की हदबंदी, और इसके अलावा कारोबारी सलाहियत का फुकदान, मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर ज़रई शोबे में। उसके अलावा देखिए सरमाए की कमी पाई जाती है, तो ये क्या है, इदारा जाती असबाब है। उसके अलावा देखिए फ़नी असबाब में आपको क्या लिखना है, पैदावार की नाकिस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, पैदावार में नाकाफ़ी आबपाशी की सहूलतें हैं, माहौलियाती। अब यहाँ पर देखिए माहौलियाती असबाब में आपको मौसमी हालात और जिसकी वजह से क्या है, माहौलियाती असबाब की वजह से पैदावार में कमी होती है, ये लिखना है। इसके बाद में देखिए आप इस क्वेश्चन में आपको जो तब्दील करके क्वेश्चन पूछ सकता है वो है ज़िरात में पस पैदावारी के वजूहात क्या हैं। तो यहाँ पर कम पैदावारी या पस्त पैदावारी दोनों के मीनिंग एक ही है, असबाब या वजूहात के मीनिंग भी एक ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना एग्ज़ाम में। ज़िरात में कम पैदावारी के असबाब बयान कीजिए, या फिर क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है आपको ज़िरात में पस्त पैदावारी के वजूहात बयान कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का अंदाज जो है ना वो मुख्तलिफ है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मख्तस है। तो ये देखिए आप क्वेश्चन बहुत ही नहायत ही ईजी है, आपको हेडिंग के साथ लिखना है इसको, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स आते हैं। तो लिहाजा आप इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन क्या है ये लिखिए और इसका आंसर तफसील से लिखिए। लिखने के बाद इसको याद कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या करना चाहिए, सबसे पहले पैदावारी का मतलब आपको बयान किया गया है और कम पैदावारी के वजूहात बयान किए गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको लिखिए। आम असबाब है, उसके जो आपको हेडिंग्स बताएंगे उस लिहाज से आंसर लिखिए। फिर उसके बाद में आपको इदारा जाती असबाब बताए गए हैं, उस लिहाज से आपको क्या है इसके हेडिंग्स के साथ इसके आंसर्स लिखिए। फिर उसके बाद आप लिखिए फ़नी असबाब क्या है, वजूहात क्या है, उसके ताल्लुक से आप लिखिए। इस तरह ये आंसर कम्प्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।